हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है कच्चे टमाटर और हरे धनिए की हरी चटनी। इस चटनी को आप इफ्तार के समय समोसे पकोड़े के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, तो चलिए इसे बनाते हैं। हम जार में डालेंगे एक कटोरी फ्रेश हरा धनिया। मैंने इसे धोकर साफ कर लिया है। अब जार में डाल रहे हैं एक कटोरी फ्रेश पुदीना के पत्ते। इसे भी मैंने धोकर साफ कर लिया है। अगर पुदीना के पत्ते नहीं हो तो आप हरा धनिया से भी चटनी बना सकते हैं। 3 बड़ा कच्चा टमाटर कटा हुआ, 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 बड़ा नींबू का रस, 1 इंच का अदरक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा। मैं इसमें लहसुन नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो चटनी में लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हम इन सभी चीजों को पीस लेंगे। चटनी को मैंने पीस लिया है। हमें चटनी को इस तरह से महीन पेस्ट बनाना है। अब हम चटनी को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब ये चटनी बनकर तैयार है। ये खाने में जितना टेस्टी है, बनाना इसे उतना ही आसान है। अगर आपको हमारी ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।